हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं टेक मी अप यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉगर पे जो है हमें पेजेस बनाने पड़ते हैं, तो वो पेजेस कैसे बनाएं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ चुके हैं हम हमारे ब्लॉगर के डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने ये ब्लॉग बनाया था, आप हमारे पिछली वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो पेजेस हैं, तो हमें पेजेस बनाने पड़ते हैं। तो ये पेजेस कैसे बनाने हैं इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर अबाउट अस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर अबाउट अस कैसे मैंने लिखा है। तो इसी तरह तुम्हें अबाउट अस का भी पेज बनाना पड़ेगा। अबाउट अस में तुम्हें खुद की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी थोड़ी सी, और जो है ब्लॉग किसके बारे में है इसकी भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो अबाउट अस बनाने के लिए तुम्हें पेज पे क्रिएट कर दीजिए आप, और यहाँ पे जो है अबाउट अस नाम लिख दीजिएगा, न्यू पेज पे क्रिएट कर दीजिएगा। अबाउट अस पहले कैसे बनाते हैं यही बता देता हूँ मैं। अबाउट अस और यहाँ पे जो भी है तुम्हारा पहले नाम लिख लीजिएगा, और उसके बाद जो है तुम्हारे ब्लॉगर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, और एक अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से जो है अबाउट अस लिखना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। और अगर तुम्हें प्रोफेशनल तरीके से नहीं लिखना आता तो तुम मेरा ब्लॉग देख सकते हो, मैंने कैसे लिखा है उस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर फिर भी तुम्हें नहीं लिखना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे इतना ही लिखा है मैंने। तो इस तरह के तरीके से आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसको मैं कर देता हूँ बैक, और इस तरीके से तुम्हें जो है पब्लिश कर देना है। तो अभी ये तो हो गया, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ये सिर्फ मैंने तुम्हें बताने के लिए किया था। तो अबाउट अस का पेज हो गया। उसके बाद आता है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। तो प्राइवेसी पॉलिसी में तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्राइवेसी पॉलिसी लिखी है। तो ये पेजेस बनाने के लिए एक सिंपल सा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक मैं तुम्हें वेबसाइट का नाम बताता हूँ, उसके ऊपर आप जाइएगा। तो उसको मैं बताता हूँ कैसे ओपन करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ओके। यहाँ पे ढेर सारी वेबसाइट आ जाएगी, पर तू हमारे लिए जो बेस्ट है वही मैं आपको बताऊंगा। उसका लिंक चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको इजीली जो है वो एक्सेस मिल जाए, क्योंकि वो सारी लिंक्स ओपन हो जाती है और गूगल रैंकिंग की वजह से ऊपर नीचे हो जाती है, तो लिंक एक जगह पर रहती नहीं है। सो तुम्हें प्रॉब्लम आ सकता है, तो वेट कीजिएगा, मैं ये देखता हूँ, ये ओपन करके देखता हूँ। हाँ नहीं नहीं ये नहीं है, बैक चले जाते हैं हम, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपके लिए, आप बिंदास्त होकर वहाँ पे क्लिक करके जो है लिंक ओपन हो जाएगा, और वहाँ से ही जो तुम्हें काम करना है वो तुम प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हाँ ये है शायद, हाँ यही है, ओके। तो जो है ये है, तो यहाँ पे पहले लिखना है कंपनी नेम, उसके बाद जो है वेबसाइट का नेम, और उसके बाद जो है वेबसाइट यूआरएल। कंपनी नेम मीन्स आपका जो ब्लॉग का नाम है वही आप लिख सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं कंपनी नेम लिखने की। तो मेरा फार्मा ब्लॉग है तो मैं फार्मा ब्लॉग लिख दूँगा। उसके बाद जो वेबसाइट का नेम मेरा फार्मा ब्लॉग ही है, तो वो भी मैं फार्मा ब्लॉग लिख दूँगा। उसके बाद जो है तुम्हें तुम्हारे वेबसाइट का यूआरएल देना है। तो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल चाहिए, तो हम हमारे ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं एक बार। आपको मैंने बताया होगा पिछले वीडियो में कि मैंने कैसे ब्लॉग को कस्टमाइज़ किया है, और ये अब हमारी सीरीज चालू है, तो इसमें मैं आपको वन बाय वन सब कुछ क्लियर करते जाऊँगा। तो यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है। यहाँ पर तुम्हें कुछ परमिशंस मांगेगा, तो आपको सब यहाँ पर एसेस कर देना है, यस कर देना है, ओके। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आपके कंट्री कौन सी है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, कौन सी कंट्री है। मेरी इंडिया है तो मैं इंडिया डालूँगा। आपकी जो कंट्री है आप तुम्हारी कंट्री जो है डाल सकते हो, और स्टेट भी डाल दीजिएगा, और फिर आपकी जो है ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। और यहाँ पे जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देने के बाद विद इन अ सेकंड जो है आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो साइड में प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो चुकी है। इसको आप ऐसा कॉपी भी कर सकते हो, पर प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि वो कॉपी पेस्ट किया तो अलग ही दिखने लग जाता है। तो आप यहाँ से सिंपली क्या कर दीजिए, ये HTML कोड दिया हुआ है,
इसको ही कॉपी टू टेक्स्ट क्लिपबोर्ड इसको कॉपी कर लीजिएगा। और प्राइवेसी पॉलिसी में जाने के बाद आपको मैं बता देता हूँ ईजीली, बहुत ईजीली आप जो है HTML कोड को पेस्ट करके उसको यहाँ पे HTML व्यू में चले जाइएगा। यहाँ पे ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको बैक पूरा हटा दीजिएगा और उसके बाद पेस्ट कर दीजिएगा। ये HTML कोड हमने पेस्ट कर दिया है, इसके बाद आपको कंपोज व्यू कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारी प्राइवेसी पॉलिसी कितने अच्छे तरीके से जो है जनरेट हो चुकी है। तो इसी तरह आपको अपने ब्लॉग के लिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर लेनी है। तो ये जो प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हो जनरेट हो चुकी है, यहाँ पे देख लो तुम। तो ये तो मुझे चाहिए नहीं, मैंने ऑलरेडी पेजेस बनाए हुए हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ बैक, इसको कर देता हूँ डिलीट। ओके, तो अभी ये तो हो गया। अभी बनाना है हमें टर्म्स एंड कंडीशन का पेज। तो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज कैसे बनाएं, तो इसके लिए भी आपको उसी वेबसाइट के ऊपर जाना है, उसी वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर है, उसकी जगह पे आप टर्म्स एंड कंडीशन लिख दीजिएगा। अब आपको लिख ये करने की ज़रूरत है नहीं, मैं लिंक नीचे दे दूँगा, आप वहीं से एक्सेस कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं लिंक ढूंढने में। क्योंकि ये जो है मैंने बहुत पहले जनरेट किया था और बाद में बहुत दिनों के बाद जो है उसकी रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाने की वजह से जो है थोड़ा सा लिंक्स ऊपर नीचे हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे भी सेम आपको वही डालना है, कंपनी नेम, वेबसाइट URL ये सब डाल दीजिएगा और नेक्स्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है आपकी कंट्री, आपका स्टेट डाल दीजिए, और उसके बाद जो है आपका ईमेल आईडी जो है डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, कहाँ पे इंडिया, हाँ। तो यहाँ पे जनरेट कर दिया, सेम प्राइवेसी पॉलिसी जैसा ही पेज ओपन हो जाएगा। देखो ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आ चुका है। यहाँ से भी तुम कॉपी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ये जो HTML कोड है इसको कॉपी कर लीजिएगा, और जो है तुम्हारे न्यू पेज में जाके टर्म्स एंड कंडीशन नाम डाल के इसको HTML व्यू करके ये जो है इसको हटा दीजिएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये हो चुका है, तो इसको अभी कंपोज व्यू कर देंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारी जो है टर्म्स एंड कंडीशन लिख के तैयार हो चुकी है। तो इसको भी आपको पब्लिश कर देना पड़ेगा। ये जो चार पेजेस है ये आपको हर एक को बनाने ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट के लिए, आपके ब्लॉगर के लिए, सब कुछ के लिए। अभी है चौथा पेज जो है वो कॉन्टैक्ट का है, उसमें कुछ नहीं, आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दे सकते हो, या फिर आप सिंपली ईमेल आईडी भी दे सकते हो कॉन्टैक्ट को भी। और यहाँ पर भी तुम जो है गूगल का फॉर्म डाल सकते हो कॉन्टैक्ट में। तो ऐसे ही ये तुम्हें चार पेजेस बनाने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लॉगर में, क्योंकि ये जो है पॉलिसी है गूगल की कि आपको ये पेजेस बनाने पड़ेंगे, ताकि ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है आप अपने ब्लॉगर पे अप्लाई करते हो, ऐसा उनका कहना रहता है। पर इसके वजह से ये जो है फॉर्मली तुम्हें ये चार पेजेस बनाने ही पड़ते हैं। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आपका प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।